अब बस चांद निकलने का इंतजार है। पिया, यही वो जगह है जहां से हम डायन द्वीप गए थे। इसका मतलब डायन द्वीप यही कहीं होना चाहिए, उस तरफ। लगता है कोई आ रहा है, लेकिन यहां कौन आ सकता है? मुझे ये जगह अच्छी तरह से याद है अंश। अंश, वहां उस तरफ उस घने जंगल के बाद डायन द्वीप दिखेगा। चलो, लेट्स गो। जी निशान जी, आपको याद है मोना ने आपको एक अंगूठी दी थी? हाँ, दी थी। वो कोई मामूली अंगूठी नहीं है विजय जी, वो एक बहुत ही शक्तिशाली डायन अस्त्र है। डायन अस्त्र? जी, जब मोहना बदल गई थी तब उसने वो अंगूठी आपको दे दी थी। उसे लगा था कि आपको या उसे उस अंगूठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंश और गुड़िया को मोहना का मुकाबला करने के लिए उस डायन अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। लेकिन निशान जी, वो अंगूठी अब मेरे पास नहीं है। मोहना जब परी को लेने आई थी तो उसने वो अंगूठी मुझसे छीन ली थी। इसका मतलब है कि वो अंगूठी सच में एक डायन अस्त्र ही है। और जब मोहना को पता चल गया कि आप लोग अब भी उसके दुश्मन हैं, तो उसने वो अंगूठी आपसे छीन ली। तो अब क्या करेंगे निशान जी? वो अंगूठी तो अब हमारे पास है नहीं। अगर होती तो हम अंश और गुड़िया की मदद कर सकते थे, और अंश और गुड़िया उसकी मदद से मोहना को हरा सकते थे। एनीवे, आप फिक्र मत कीजिए, सभी और मैं मिलकर कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। डायन द्वीप कहाँ गया? भाई, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, होना तो यही चाहिए। फिर कहाँ गया? इतना बड़ा डायन द्वीप गायब कैसे हो सकता है? आज जरूर मोहना को पता चल गया होगा कि हम उसे ढूंढने यहाँ आने वाले हैं। उसी ने डायन द्वीप गायब किया होगा। वो बहुत चालक है अंश, बहुत चालक है। वो हमें परी तक पहुंचने नहीं देगी। अब हम क्या करेंगे? तुम यहां डायन की चाल देखने आई हो? वैसे तुम्हारा हक भी बनता है, क्योंकि ये सब तुम्हारे वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। एक मिनट, तुमने कहा था मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, फिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? नहीं, हमने कहा था रीवा वंशी या पिया और अंश या सर्व वंशी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। हमने अपना नाम तो नहीं लिया था। ये मत भूलो कि अगर चुड़ैल तुम्हें छुपने में मदद कर सकती है तो तुम्हें ढूंढ भी सकती है। ठीक है, अब ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा काम बिगाड़ने। रे बाप सर जी। अरे सर जी, हमारी कमर चली गई सर जी, सच बता रहे हैं। पेड़ का डाउन अल्ले के सब गिर गए नीचे, कमर हमारा पूरा हमारा बैंड हो गया। आगे तुम कहाँ थे अब तक? पता है यहाँ कितना काम है सर जी? डायन, चुड़ैल, पेड़। What? नमन, तुम क्या कह रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, तुम नशा वशा तो नहीं करके आए? अरे नहीं नहीं नहीं, 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 नशा नशा खराब चीज है। प्राण प्याला सर जी, प्राण प्याला। क्या कहा तुमने? हाँ, प्राण प्याला सर जी। तुम प्राण प्याले के बारे में कुछ बताना चाहते हो? हाँ। अब हिम्मत नहीं हार सकता, हौसला रखो पिया। क्या
पता चला मोहना के बारे में? नहीं, ना तो हमें उसके पैरों के निशान मिले हैं, ना ही उसकी आहट महसूस हुई है। तुम लोगों को पूरा यकीन है कि मोहना डायन द्वीप में ही आई है, क्योंकि अगर वो यहाँ आई है तो उसके पैरों के निशान यहीं होने चाहिए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा, मोहना को कहाँ ढूंढेंगे अंश? पिया, अगर तुम्हें लग रहा है कि मोहना परी को लेकर डायन द्वीप पर आई है तो वो जरूर यही आई होगी। लेकिन अंश, डायन द्वीप भी तो नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। अगर मोहना ने डायन द्वीप को कहीं शिफ्ट भी कर दिया होगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं लेकर गई होगी। वो जहां भी होगी हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन इतना वक्त नहीं है ना आज, पूर्णिमा का चांद निकलने ही वाला है और अब तक ना हमें परी का पता चला है ना उसके प्राण प्याले का। हम कहां ढूंढें परी को? मुझे पता था वो चुड़ैल अपना असली रंग कभी ना कभी जरूर दिखाएगी। तुम बहुत भरोसा करते थे ना अपने सो कॉल्ड मिसेस पे, अब देखो उसने क्या किया। सिर्फ तुम्हारी वाइफ की वजह से हम मोहना को ढूंढ नहीं पा रहे। अगर परी को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी होगी। अगर वो अब मेरे सामने आ गई ना तो मैं उसे। अरे साबी, तुम दो मिनट रुको यार, तुम तो पहली बात समझती नहीं हो, सीधे जान लेने पे तुली रहती हो एकदम। सर जी, हम सच बता रहे हैं, हमको पता, हम मानते कि हमारी जो मिसिज है ना उसने मोहना के साथ हाथ मिलाया, हमें धोखा दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों सर जी कि हमारा ना दिल ही नहीं मान रहा है कि हमारी मिसिज ऐसा कर सकती है। हमको ऐसा लग रहा है ना कि हमारी मिसेज के साथ ना कुछ तो हुआ है सर जी। हाँ हुआ है, उसका दिमाग खराब हो गया। बात कुछ और है, पता है सर जी, पता नहीं क्यों वो ना कुछ दिन से बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। मतलब कि हम उसको देख रहे हैं कि वो ना वो छींकती रहती है और जितना वो छींकती है उतना खुश होती है, और इमली और चूड़ी के साथ खेलते रहती है। इमली का क्रिसमस ट्री बनाई है और उसमें चूड़ी यहाँ वहाँ वहाँ लगा के उसके साथ खेलते रहती है। एक सेकंड, क्या कहा तुम? दिलरुबा बार बार छींकती रहती है। हाँ सर जी, छींकती रहती है, और तो और जितना छींकती है उतना ही खुश होती है। ये सब तो चुड़ैलें तभी करती हैं जब। सर जी कब? जब वो माँ बनती है। पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? तुमने चुड़ैल वचन दिया है, वो वचन तोड़ने का अंजाम जानती हो ना? हाँ हम जानते हैं, फिर भी तुम्हें अपने मकसद पे कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए हम अपना जादू तोड़ने आए हैं। और तुम्हें लगता है जो तुम चाहोगी वही होगा। मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें वो जादू नहीं तोड़ने दूंगी। वो वचन तो हम तोड़ चुके हैं। ये मत भूलो, अगर चुड़ैल तुम्हें छुपने में मदद कर सकती है तो तुम्हें ढूंढ भी सकती है। मोहना आसपास ही कहीं है। क्या? अभी अभी उसने जमीन पर पैर रखा है, उसके कदमों की आहट मैं महसूस कर पा रही हूँ। हमें मोहना के पास ले चले जल्दी प्लीज। आओ मेरे साथ। अकल की अंधी चुड़ैल, मरना ही था तो मुझे बोल देती, मैं ऐसे ही तेरी जान ले लेती। झूठा सौदा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ वो सौदा करना हमारी मजबूरी थी। उस दिन जब तुम हमारे पास मदद मांगने आई थी तब हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम कमजोर थे, हमारे पेट में बच्चा था। बच्चा? तुम्हारा? हाँ हमारा बच्चा। हमारे बच्चे को कुछ ना हो इसलिए हमने तुम्हारे साथ वो सौदा कर लिया। लेकिन हमने सौदा करते ही तभी सोच लिया था कि बच्चा पैदा होते ही हम ये सौदा तोड़ देंगे। अब हमारा बच्चा पैदा हो चुका है। ओह, तो इसलिए अब तुम यहाँ आए हो। बच्चे से इतना ही प्यार है तो उसके पास रहती, पाल पोस के बड़ा करती, उसे छोड़ के यहाँ मरने क्यों आ गई?
क्योंकि अब हमें मौत का डर नहीं है। उस वक्त हमने जो किया था अपने बच्चे के लिए किया था, और इस वक्त जो हम कर रहे हैं हमारे पतिदेव जी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारे पतिदेव जी का सर हमारी वजह से झुक जाए। उनके लिए उनका फर्ज सबसे पहले है, और हमारे लिए हमारा पत्नी धर्म। और तुम्हारा यही पत्नी धर्म तुम्हें तुम्हारे पति और बच्चे से हमेशा के लिए दूर कर देगा। यही तुम्हारी सजा है, चुड़ैल वचन तोड़ने की और टाइम को धोखा देने की।